हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुष्पा व्लॉग्स। और आज मैं गिरा वाटरफॉल का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। तो ये सूरत से करीबन 130 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका तो मैं थोड़ा ही शेयर करूँगी आज। फर्स्ट पार्ट में मैंने शेयर कर दिया था और आज अजमलगढ़ जाएंगे, यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर एक जगह रहते रहते जैसे बोर हो जाते हैं। और सूरत में कोई घूमने की खास जगह नहीं है, तो इस टाइप की जगह पे आने के बाद बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। देखिए कितना ठंडा ठंडा पानी और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। और यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे वाटरफॉल हैं आगे भी, बाद में मैं इसके बाद से और आगे देखिए, अभी दिखाती हूँ कि क्या है आगे। वहाँ से हम लोग आ चुके हैं और अभी गर्मी काफ़ी पड़ चुकी है। और देखिए ये सब सामान है साइड में, ये देखिए गाड़ी। और गर्मी है तो गन्ना का जूस पी लेते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको लकड़ी के ही सामान मिलेगा। और व्यू देखिए, बस पे चेयर भी फिसल रहा है, नहीं चेयर भी फिसल रहा है बस पे। ये देखिए यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा हिला लो। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, पूरा चारों साइड में दिखा देती हूँ आपको। एक अच्छा वो झरना वाला, और यहाँ पे देखिए कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस, देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। अपना शक्ति से देख लो, और कहीं रास्ते में हो तो जाएंगे वहाँ पे। और देखिए पहाड़ का व्यू दिखा रही हूँ, अब यहाँ से डाउन है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। ठंडी के मौसम में आने में और भी मजा आएगा यहाँ पे। अभी हम धर्मपुर जा रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड वाला, यहाँ पर नहाने का नहीं था। स्लाइड कौन सा गेट? ये मतलब रास्ता भी बंद हो जाता है कल पहाड़ गिर के। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ से अभी पूछना है कि आगे और क्या है। और यहाँ पे देखिए पटाखों की दुकान लगी हुई है, दिवाली गई और पटाखे की दुकान। अभी ये पूछने गए कि तो अभी देखिए फ्रेंड्स, गिरा वाटरफॉल से हम लोग 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर और आगे जाना है। और दोनों साइड जंगल ही जंगल लग रहा है, तेज बहाव होगा। तो 20 किलोमीटर भी और है तो चलते हैं। तेज बहाव तो नहीं, और वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो देखिए पाव भाजी है, पुलाव है, खमन है, सूप है, मसाला। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, क्योंकि सुबह से सिर्फ हमने नाश्ता ही किया था, खाना नहीं। और अभी हम लोग चढ़ाते हैं ना वहाँ पर, अभी पंडित जी है, पंडित जी है ले जा। और इस तरह से दोनों साइड दुकानें हैं, पूजा का सामान है, खिलौने हैं।
और अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर था और सारे भगवान का दर्शन यहीं पे मिल गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सारे भगवान यहीं पे स्थापित किए गए हैं। ये माता दी का है, आगे भी दिखाऊंगी, बहुत सारे भगवान का दर्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे करने के लिए। और देखिए ये शंकर भगवान का है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। ये राधा कृष्णा का है, ये द्वारकाधीश कृष्ण भगवान का ही है और राम लक्ष्मण सीता जी का है यहाँ पे और गणपति बप्पा मोरिया का यहाँ पे है। और अभी मैं दिखाऊंगी गुफा का दर्शन, वैष्णो देवी गुफा का दर्शन। वो वैष्णो देवी नहीं लेकिन यहाँ पे बना हुआ है उस टाइप का ही, वही पे व्यू है। यहाँ से प्रणाम करते जा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का गुफा है, ये गुफा के अंदर से लोग जा रहे हैं। आप लोग भी माँ का ध्यान तो वहीं पे वापस आ गए घूम के और अब चलते हैं बाहर। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।